हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन और आप देख रहे हैं अमन टेरिस गार्डन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पर होने वाली है और वो टॉपिक है कि यदि किसी भी फ्रेंड्स के प्लांट्स बार बार ख़राब हो जाते हैं और वो उनको लगाते लगाते थक जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स दिखाने वाला हूँ जो कि कभी ख़राब नहीं होते हैं और सालों साल आपके गार्डन में चलते ही रहेंगे, और चलने के साथ साथ उनमें फ्लावर में सीड्स भी बनते हैं जो कि सीड्स से आप ढेर सारे प्लांट्स बना करके अपने गार्डन में रेडी कर लोगे बिल्कुल फ्री में, और सालों साल वो आपके गार्डन में बने ही रहेंगे। आपको उनको दोबारा नर्सरी से ख़रीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही प्लांट्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जो कि एक बार लगाने के बाद में कभी ख़राब नहीं होंगे और सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं जो सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे और कभी वो ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला जो आप प्लांट स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है ये विंका। ये हाइब्रिड वाला है और एक है ये देसी वाला। इसको भी आप बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं और एक बार लगाने के बाद में ये कभी आपके गार्डन से ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। और सीड ड्रोन प्लांट है, सीड से ग्रो होकर के काफ़ी ज़्यादा प्लांट इसके बनकर के आपके गार्डन में रेडी हो जाएंगे और कभी ये ख़राब नहीं होगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं फ्रेंड्स, यही हाइब्रिड वाली वैरायटी, इसको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होती है। इसको ज़्यादा वाटरिंग आपको नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है पानी का। और यह है कि हार्ड वाली वैरायटी है जो कि है देसी वाली वैरायटी का। इसको तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर ग्रो करते हो तो बड़े आसानी से ग्रो हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसके भी प्लांट बनकर के रेडी हो जाते हैं। ये जो फ्रेंड्स आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये फ्लावर्स स्पेंड होने के बाद में कई सारे फलियों में छोटे छोटे सीड्स बनते हैं जिनको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसमें कितनी ज़्यादा फलियाँ बन रही हैं। तो इनको ये पक जाने के बाद में सीड यहाँ वहाँ गिर करके अपने आप से ढेर सारे प्लांट इसके आपके गार्डन में बनकर के रेडी हो जाएंगे और हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा, कभी ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा और प्लांट्स भी कभी ख़राब नहीं होता है यदि आप इसकी थोड़ी सी केयर कर लेते हो तो। और इसमें जो फ्रेंड्स फ्लावर आते हैं वो लाइट पिंक कलर के आते हैं और हाइब्रिड वेराइटीज़ में कई सारे कलर्स आते हैं। तो कोई भी कलर वैरायटी का लाकर के आप बस एक बार अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा तो ये प्लांट्स भी आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे और कभी ख़राब होने का नाम नहीं लेंगे। उसी लिस्ट में फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्लांट होता है जो कि एक बार ऐड करने के बाद में सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और कभी ख़राब होने का नाम भी नहीं लेगा, वो है ये गिलाइडिया के प्लांट। बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स आने के साथ साथ में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर पैटर्न्स में भी आते हैं। तो इसके भी मेरे पास तीन कलर हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये है बिल्कुल रेडिश सा कलर और इसकी जो पत्तियाँ हैं इसके टॉप पर बिल्कुल येलो येलो सा टेक्स्चर है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी फ्लावर्स लग रहा है। इसके मेरे पास दो कलर और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, दूसरा जो कलर है वो है कि ये वाला, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पत्तियाँ भी हैं और कलर्स भी देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा खूबसूरत इसमें कलर्स हैं। तो इनको भी लगाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है, बस एक बार इनको ग्रो कीजिए, उसके बाद दोबारा ये आपके गार्डन से न तो कभी जाएगा और न ही कभी ख़राब होगा। ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये स्पेंड होने के बाद में ढेर सारे सीड्स बनाते हैं जो कि इस तरीके से होते हैं और सूख जाने के बाद में यहाँ वहाँ गिर करके ढेर सारे प्लांट्स अपने आप से बना करके रेडी कर देते हैं ये इस तरीके से। तो ये भी बस एक बार ख़रीदने की ज़रूरत होती है, दोबारा इसको भी कभी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है और ये प्लांट्स भी आपके ख़राब नहीं होंगे। और इसका एक और कलर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और ये वाला कलर है। तो काफ़ी ज़्यादा कलर वैरायटीज़ में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटीज़ में आते हैं और एक बार प्लांट्स ग्रो करने के बाद में सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। फ्लावर स्पेंड होने के बाद में ढेर सारे सीड यहाँ वहाँ गिर करके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स आपके गार्डन में बनाता रहेगा और कभी ये प्लांट्स भी ख़राब नहीं होता है। तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्लांट होता है जो कि कभी ख़राब नहीं होता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसकी भी पत्तियाँ होती हैं, वो है पोल्का डॉट्स के प्लांट। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लांट कितना ज़्यादा लेगी हो चुका है क्योंकि विंटर इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है, तो ये प्लांट्स ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप इसकी जो जड़ें होती हैं वहीं से नए प्लांट्स निकल करके काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसमें भी ग्रोथ हो रखी है और अच्छे अच्छे प्लांट्स इसमें नीचे से निकल रहे हैं। ये है मेरा रेड एंड पिंक वाला और एक है ये ग्रीन एंड वाइट वाला। तो इसमें कई सारी वैरायटीज आती हैं, तो कोई भी कलर वैरायटी का लाकर के बस एक बार इसमें अपने गार्डन को लगाने की ज़रूरत होती है, दोबारा कभी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा प्लांट इसके अपने आप से ग्रो होते रहते हैं और कभी ये ख़राब नहीं होता है और आपके गार्डन में हमेशा बना ही रहता है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो कीजिएगा, कभी ख़राब न होने वाले प्लांट। फ्रेंड्स, अगला जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये प्लांट्स आपके गार्डन से कभी भी ख़राब नहीं होगा और बस एक बार लाने के बाद इसे मल्टीप्लाई होकर के इतने ज़्यादा प्लांट ये आपके गार्डन में बना करके रेडी कर देगा कि आप इनको अपने नेबर्स को बांटते बांटते थक जाओगे, पर ये प्लांट्स आपके गार्डन से नहीं हटेगा और नहीं थकेगा। तो वो है स्नेक प्लांट की ड्रॉप वाली वैरायटी।
हालांकि नर्सरीज में काफ़ी एक्सपेंसिव ये मिलती हैं, 100 and 115 में आपको 50 में आपको मिलेगी, पर यदि आपको कहीं से इसका छोटा सा पप से मिल जाए तो आप वहाँ से कट करके ले आइएगा, और नहीं भी तो इसकी एक पत्ती से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और बस एक बार लगाने के बाद में देख सकते हैं आप, ये मेरा फुल सनलाइट में रखा हुआ प्लांट है, इसमें कोई ख़राबी नहीं आई है और नहीं कभी ख़राब होता है और हमेशा ये बढ़ता ही जाता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिएगा, कभी ख़राब न होने वाले प्लांट की लिस्ट में, सालों साल ये आपके गार्डन में बना ही रहेगा। फ्रेंड्स, उसी लिस्ट में अगला जो हमारा प्लांट होता है जो कि कभी ख़राब नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा समय तक आपके गार्डन में बना रहता है, कोई एफेक्ट्स का भी इसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता है, वो है यूफोर्बिया मिली के प्लांट्स। ये आप देख सकते हैं कितना रफ टफ और हार्डी प्लांट है और फुल सनलाइट में उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा सुंदर इसमें भी कलर्स आते हैं, कई सारे कलर वैराइटीज़ में आते हैं। तो कोई भी कलर वैराइटी के ला करके इनको आप छोटी छोटी कटिंग से अपने गार्डन में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका मदर प्लांट मेरे पास पीछे वाले गार्डन में रखा हुआ है, उसकी छोटी सी कटिंग मैंने कट करके बस इसी तरीके से वेस्ट पॉलीबैग में लगा दी थी, और अब देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मेरा प्लांट भी बना हुआ है। तो जब भी आप इस फ्रेंड्स प्लांट को लगाएं तो बी केयरफुल, इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े कांटे होते हैं जो कि आपको चुभ सकते हैं। तो जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो इसमें एक वाइट कलर का स्लैब निकलता है, तो उस स्लैब को सूख जाने दें, उसके बाद इसको ग्रो कीजिएगा, तो कभी भी ख़राब नहीं होगा और हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा। फ्रेंड्स, आप भी अपने गार्डन में प्लांट्स की बार बार ख़राब होने से परेशान हैं तो बस इस प्लांट को आप ज़रूर ग्रो कीजिएगा, 101% ये प्लांट्स आपके गार्डन से कभी भी ख़राब नहीं होगा और समय के साथ में इतने ज़्यादा प्लांट्स आपको बना करके देगा कि आप इसको बांटते बांटते थक जाओगे, वो है ये गुलदावदी यानी क्राइजेंथियम जिसे कहते हैं। हालांकि ये विंटर्स का फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन प्लांट्स आपके गार्डन में पूरे ही साल बना रहेगा और कई सारे डिफरेंट कलर वैराइटीज़ में आजकल ये नर्सरीज़ में अवेलेबल हैं, लगभग इसकी 2 से 3 हज़ार वैरायटी आती हैं, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और बस एक बार खरीदने के बाद इसको दोबारा आपको कभी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये मदर प्लांट के साइड से बेबी प्लांट्स इसके ग्रो होते रहते हैं और इसकी आप छोटी छोटी कटिंग्स लगा करके इतने ज़्यादा प्लांट्स अपने गार्डन में बनाते हो तो कभी ख़राब नहीं होंगे। हालांकि इसमें ब्लैक कलर के माइट्स का अटैक होता है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो वो भी हट जाएंगे। और ढेर सारे प्लांट्स अपने गार्डन में इनके बना करके रेडी कर सकते हो और कभी ये ख़राब नहीं होंगे, बस हमेशा इसी तरह बने रहेंगे। और विंटर में तो काफ़ी हेवी फ्लावरिंग ये प्लांट करता है, तो कभी ख़राब ना होने वाले प्लांट में इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर ग्रो कीजिएगा और कई सारे डिफरेंट कलर वैराइटीज़ में आजकल ये नर्सरीज़ में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्लांट होता है जो कि कभी ख़राब नहीं होता है और हमेशा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और दोबारा उसको कभी नर्सरी से आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी सुपर रफ टफ हार्डी होने के साथ साथ में काफ़ी बंचेज में फ्लावरिंग करता है, वो है क्लेंचो के प्लांट। ये हाइब्रिड वाली वैराइटीज़ के हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सुंदर सी ये फ्लावरिंग करते हैं, इसमें फ्लावर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और काफ़ी बंचेज में फ्लावर करते हैं जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। तो इसके मेरे पास 2 कलर हैं, एक है येलो कलर है और एक है ये रेड कलर, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अपने गार्डन को बनाता रहता है। और छोटी छोटी कटिंग से इसके आप ढेर सारे प्लांट बना करके रेडी कर लेते हो। और फ्रेंड्स, बस इसको वाटरिंग आप बिल्कुल कम दीजिएगा, यदि आप इसको बहुत कम पानी देते हो तो सालों साल ये आपके गार्डन में बना रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा और हमेशा इसी तरीके से बंचेज में फ्लावरिंग करता रहेगा। ये हाइब्रिड वाली वैरायटी का है, इसमें मेरे पास देसी वाली वैरायटी का है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी देसी वाली वैरायटी, इसको भी बड़े आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं और ये भी प्लांट्स आपके गार्डन में हमेशा बना ही रहेगा, सालों साल ही आपके गार्डन में चलता रहेगा, कभी ख़राब होने का नाम नहीं लेगा और हमेशा इसी तरीके से खिलता रहेगा। और एक बार फ्लावर्स ब्लूम होने के बाद में लगभग 1 से 2 महीने तक ये फ्लावर्स इसी प्लांट के ऊपर टिके हुए भी रहते हैं, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्लांट होता है जिसको बस आप एक बार खरीदते हो तो लगभग 10 साल तक तो आप ये आपके गार्डन से नहीं जाने वाला है और ख़राब भी नहीं होगा, तो वो है हमारे मैक्सिकन पिटूनिया हाइब्रिड वाले। आप सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके प्लांट्स भी बनकर के रेडी हो जाएंगे यदि आप बस इसको सही तरीके से लगाते हो। तो सही तरीका क्या है, बस इसको वाटरिंग बहुत ही कम दीजिएगा तो ढेर सारे प्लांट आपके गार्डन में बनकर के रेडी हो जाएंगे और फ्लावर्स सूख जाने के बाद ये इस तरीके से फलियों में सीड बनते हैं और अपने आप से पक करके यहाँ वहाँ गिर जाते हैं जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो ये अपने आप से गिर करके हर एक कंटेनर में इतने ज़्यादा इनके प्लांट बनकर के रेडी हो जाएंगे आपके गार्डन में। इनमें क्या है, इनके आसपास के सारे ही गमलों में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इनके मेरे गार्डन में प्लांट बने हुए हैं, तो ये भी आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाने वाला है और एक बार खरीदने के बाद मेरे प्लांट्स भी ख़राब नहीं होते हैं और ढेर सारे फ्लावर्स इसमें आते हैं। एकदम वाइट कलर का है, ये लाइट पिंक कलर का है और एक है पर्पल कलर का, वो भी मेरे पास रखा हुआ है। तो इन प्लांट्स को भी आप ग्रो कीजिएगा तो एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सालों साल ये आपके गार्डन में बने ही रहेंगे और कभी भी ये प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्लांट होता है जो कि बस एक बार लगाने के बाद में सालों साल चलता रहेगा और हमेशा बम्पर फ्लावरिंग करता ही रहेगा, तो वो है फूलों का राजा गुलाब। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कितना सुंदर इसमें कलर खिला हुआ है, गनीमत रही कि ये बंदरों की नज़रों से बच गया तो इसमें फ्लावर्स ब्लूम कर गया, नहीं तो वो इसको चट कर जाते कब के। ये देख सकते हैं आप, इसकी पूरी पत्तियाँ खाई हुई हैं, पूरा ही प्लांट खाया हुआ है, लेकिन ये फ्लावर्स एक जो है
के नीचे रखा हुआ था तो बच गया है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इसका कलर है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी इसमें आती है। ये देसी वाली वैरायटी के हैं फ्रेंड, देसी वाली वैरायटी में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और आप सामने देख सकते हैं फ्लावर्स का कलर भी काफ़ी अच्छा है। एक ही प्लांट से फ्रेंड ये दो तीन कलर चेंज करता है। अभी जो फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं वो एकदम रेड कलर के हैं और कुछ समय बाद यानी कि जो गर्मियाँ बढ़ जाएंगी तो फिर इसमें डार्क पिंक कलर के फ्लावर्स ब्लूम होने लगेंगे। इसके मेरे पास 3 से 4 कलर हैं, तो कोई भी कलर वैरायटी के गुलाब ला करके अपने गार्डन में ग्रो कीजिएगा यदि आपके गार्डन में बंदर नहीं आते हैं तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। मेरे गार्डन में तो काफ़ी ज़्यादा बंदर आते हैं और खा भी जाते हैं इसकी पत्तियाँ, इसलिए मैं गुलाब बहुत ही कम लगाता हूँ और मैं इसकी जगह भी चेंज करने वाला हूँ ताकि मेरे प्लांट्स गुलाब बंदरों से बच जाएं। फ्रेंड्स इस प्लांट को भी आप यदि एक बार खरीदते हो तो ये भी प्लांट्स आपके गार्डन से कभी ख़राब नहीं होता है और हमेशा सालों साल चलता ही रहता है और कई सारे सुंदर सुंदर शेप देकर के इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप टोपियारिस भी बना सकते हैं। वो हैं जेट प्लांट, काफ़ी सुपर रफ टफ हार्डी होने के साथ साथ में वाटर की नेसेसिटी भी इसको काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एक बार पानी देने के बाद लगभग 10 से 15 दिन तक तो मैं तो अपने प्लांट्स को पानी नहीं देता हूँ और इसको ज़रूरत भी नहीं होती है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत इसकी पत्तियाँ बनी हुई हैं और इसकी छोटी से छोटी कटिंग यदि आप इसके लगाते हो तो बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप देकर के आप इसको काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना सकते हो। तो छोटे छोटे इसी तरीके से वेस्ट पॉलीबैग में मैंने इसको लगाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसकी भी प्लांट्स बने हुए हैं और एक बार खरीदते हो तो दोबारा इसको भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके गार्डन में हमेशा बना ही रहेगा। फ्रेंड्स अगला जो हमारा प्लांट होता है जो कि कभी ख़राब नहीं होता है वो है सेक्यूलेंट प्लांट्स का, हालांकि इसका नाम तो मुझे नहीं पता बट ये देखिए फ्रेंड्स छोटी सी कटिंग मुझे किसी ने गिफ्ट की थी और कितना अच्छा सा इसका प्लांट बना हुआ है। सेक्यूलेंट को वाटर की नेसेसिटी बहुत ही कम होती है तो यदि आप इसको जितना कम पानी देंगे उतना ही ज़्यादा खूबसूरत आपका प्लांट बना रहेगा। तो ये भी मेरे पास इतना सा बड़ा एक ही सेक्यूलेंट का प्लांट है और मैंने इसको लगाया हुआ है तो ये भी आपके गार्डन में हमेशा बने ही रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं। बस आप किस तरह वाटरिंग का ध्यान दीजिएगा तो ये प्लांट्स आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा और काफ़ी अच्छे से आपके गार्डन में बना ही रहेगा। तो फ्रेंड्स वैसे तो कई सारे प्लांट्स हैं जो आप हमेशा लगाते हो तो अपने गार्डन में तो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे और कभी ख़राब भी नहीं होंगे क्योंकि इतने रफ टफ और हार्डी होने के साथ साथ में बहुत ही सुंदर फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ प्लांट जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं जिनको यदि आप लगाते हो अपने गार्डन में तो कभी ख़राब नहीं होंगे, दोबारा उनको आपको नर्सरी से ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा और हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे और सालों साल चलते रहेंगे, फ्लावरिंग भी अच्छी खासी करते रहेंगे और आप उनको रूट्स से मल्टीप्लाई करके डिवीज़न करके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बना करके अपने फ्रेंड सर्कल में गिफ्ट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ प्लांट जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और प्लांट्स आपको कैसे लगे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।